पानी दे कुत्ते। तभी वहां पर एक पुलिस वाला बाबा को पानी एक गिलास दे देता है। बाबा बोलते ये पानी मुझे नहीं बल्कि इस पुलिस वाले को दो, मार मार के बेचारा बहुत ज्यादा थक गया है। क्यों मार रहे हो मुझे, क्यों मार रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या चाहिए तुम्हें दुनिया। दोस्तों ये बाबा की कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची है, तो चलिए जानते हैं बाबा के लाइफ में क्या क्या हुआ था। बाबा जब छोटे थे तो बाबा और बाबा की माँ मंदिर के बाहर भीख मांगा करते थे। ए बाबा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, बाबा दे दे बाबा, ए बाबा मेरा बेटा तू 4 दिन से भूखा है बाबा। नहीं भीख मिलेगा तो मैं बन बेटा पीऊंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। ए तुझे भीख चाहिए, इधर आ मैं तुझे भीख देता हूँ। अरे मैं मुझे बुला रहा, मैं आता हूँ, मैं भीख लेके आता हूँ। बाबा दौड़े दौड़े उस आदमी के पास चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी के मन में तो खोट है, वो बाबा को लतियाने लगता है कि माँ वहाँ पे दौड़ी दौड़ी जाती है। छोड़ दो मेरा बेटा को, छोड़ दो मेरा बेटा, ने क्या बिगाड़ा है तेरा, गोली फूटता हूँ। साला रोज रोज भीख मांग मांग के परेशान करके रखा है, साला लतिया देंगे आगे अपनी भीख मांगे तो। बाबा और उसकी माँ फिर से कोने में चली जाती है भीख मांगने के लिए। बाबा और उसकी माँ को एक चमन्नी भी भीख में नहीं मिलता है और उस दिन उस रात को बाबा और उसकी माँ को भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन जब सुबह होती है तो बाबा अपनी माँ को उठाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती। भूख के मारे उसकी माँ की मौत हो गई है, क्योंकि बाबा की माँ खुद भूखे रह के अपने बेटे को खिलाती थी। ए माँ उठना, मत चलना भीख मांगे, माँ माँ उठना, माँ भीख मांगते है ना माँ। बाबा की काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी माँ नहीं उठती, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी है। ए माँ शक्ति देना माँ, ए माँ शक्ति देना माँ, मेरी माँ को उठा ले माँ, उठा ले नहीं माँ, जगा दे माँ। बाबा को भी थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि उसकी माँ कभी नहीं उठेगी। कुछ दिन बाद बाबा अपना एक कवाड़ी का बिजनेस खोलते हैं। लोहा टीना सीसी बोतल दीजिए। बाबा अपना लोहा टीना का बिजनेस बेचते बेचते एक दिन एक औरत के घर में चले गए और उसके घर के बाहर चिल्लाने लगे, लोहा टीना सीसी बोतल दीजिए, आइए आइए माजी बहन जी। उस घर के अंदर से एक औरत निकलती है, वो औरत तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। कौन है रे, रोज रोज आ जावे रे, कौन है रे, कौन है रे, बुढ़वा हो रहा है रे, रे रे बड़का बिटवा रे, जल्दी बाहर निकल रे, आइए आओ को बुढ़वा, रोज कोड़िया हमरा घरवा के बारे आके चिल्लावे महाराज करा मार। तभी उस घर से उस औरत का एक बेटा निकलता हाथ में डंडा लेकर। कौन हो गया मैया, कौन हो गया मैया, कौन तेरा परेशान करते हो गया मैया, वही कोड़िया जी आगे हो, रोज परेशान करे हमरा। बाबा तो उस लड़के को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, वहाँ से दौड़ कर दुमदुमा के भाग जाते हैं। बाबा अकेले इस दुनिया को संभाल नहीं पा रहे हैं, बाबा जहाँ जा रहे हैं वहाँ लाती खा रहे हैं। तभी एक दिन रास्ते पे चलते चलते बाबा को काफी ज्यादा भूख लग गई थी, वहीं पर एक आदमी हाथ में कुछ लेकर खा रहा था। बाबा दौड़ कर जाते हैं और उससे वो खाना छीन के वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि बाबा को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और वो आदमी भी बाबा के पीछे पीछे भागने लगता है। चोर 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 मार बुढ़वा के, मार मार चोर चोर चोर। बाबा भी आगे जाते जाते रुक जाते हैं और पीछे से वो आदमी भी आ जाता है, बोलता है कि तूने मेरा खाना कैसे छीन लिया। बाबा वहीं पे पड़ा हुआ डंडा उठा लेते हैं हाथ में। बाबा बोलते हैं कि अगर दमे तो मुझसे खाना छीन के दिखा, मैं तेरे डंडे से मार के हलवा निकाल दूंगा। वो आदमी तो बाबा को देख के पागल समझने लगता है, छोड़ो ये पागल से क्या लड़ना, चलो यहाँ से चलते हैं। उस दिन से बाबा को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया में सब कुछ छीनने से मिलता है, और उसी दिन से बाबा बन जाते हैं माफिया डॉन। और बाबा को उस दिन से सपना हो जाता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। एक दिन बाबा लफुआ की तरह रोड पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर से एक औरत गुजरती है। बाबा बोलते हैं डॉन बनने का मैं इसी से बोहनी करता हूँ। ए लड़की इधर सुन, क्या हुआ वे बौने कलुए दाढ़ी वाले बुढ़े, चल तेरे पास जो कुछ है सब निकाल, पहले मुंह धो क्या बे नाटू, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या, एक बार में चल पैसा निकाल, तेरा बाप यहाँ छोड़ के गई थी कि तेरी माँ। बाबा को ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बाबा चाकू निकाल देते हैं। क्या बोली बे,
पैसा निकाल चल ना, तो वरना ये रामपुरी घुसा के तेरा भेलपुरी निकाल दूंगा। वो औरत बोलती है, अरे यहाँ से निकल, मेरा मर्दाना बहुत ताकतवर है, आ गया तो तेरा हड्डी को तोड़ देगा। अगर तेरा मर्दाना आ गया तो उसका भी हड्डी तोड़ दूंगा, चल पैसा निकाल। वो औरत पर्स घुमाती है और बाबा को एक पर्स मार देती है। तभी वो औरत बाबा के मुंह पर अपना पैर रख देती है और बोलती है, क्यों बे बुड्ढे, बहुत जवानी चढ़ी है, साले बुड्ढे बीड़ी पीने वाले दड़ियल। बाबा की आंखें खुल जाती है और बाबा पास में पड़ा हुआ डंडा उठा लेते हैं और बाबा उस औरत की चिंता तक चिता चिता करके चटनी बना देते हैं। बाबा उस औरत को इतना मारते हैं कि उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे कि बाबा का खौफ और भी बढ़ जाता है और बाबा धीरे धीरे उस एरिया के डॉन बन जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद बाबा एक सेकेंड हैंड बंदूक कीनते हैं, जिससे कि कभी कभी बाबा लोगों की खोपड़ियां उड़ाते रहते हैं। बाबा का खौफ तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तभी एक दिन बाबा का सामना गरुड़ा से हो जाता है। गरुड़ा भी एक बहुत ही खतरनाक डॉन है और ये है गरुड़ा की पत्नी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये इसके घर में जो कोई भी जाता है वो कभी जिंदा लौट के नहीं आता है। वो उसका टकला मार मार के ऐसा फोड़ती है कि उसका वहीं पर स्पॉट डेड हो जाता है। क्यों बे, इलाके का तो नया डॉन बन रहा है। बाबा बोलते हैं कि मुझे इस दुनिया पर राज करना है और मैं इस दुनिया पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों बाबा पर बंदूक तान देते हैं। बाबा बोलते हैं, मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। और फिर बाबा वो दोनों की भी तुड़ाई चालू कर देते हैं। बाबा बोलते हैं कि तुम दोनों को आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार दिख गए तो तुम दोनों के खोपड़ी में पूरा मैगजीन उतार दूंगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है बाबा के पास। बाबा बोलते हैं, क्या वे लड़की, चल यहाँ से निकल, वरना कन पट्टाला हरा दूंगा। लगता है कि वो लड़की गूंगी है। ए लड़की, क्या बोल रही है, पहले तो तू अपना मुंह से सुपारी निकाल के बात किया कर। ओ तो तू गूंगी है और तेरा बाप मर गया और तू पाकिस्तान से आई है, तुझे पाकिस्तान छोड़ूंगा, ठीक है, अब मुझे बजरंगी भाई जान बनना पड़ेगा। और तुम्हारा नाम मुन्नी है। वो लड़की भी हाथ उठाकर मुड़ी हिलाकर इशारा करती कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। बाबा बोलते कि मुन्नी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा, तारों के नीचे से ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे डंडे ही क्यों ना खानी पड़े। बाबा बोलते कि चलो अब तुम कुछ खा लो पहले। बाबा मुन्नी को घर लेकर जाते हैं। बाबा मुन्नी को गरम गरम चिकन खाने के लिए देते हैं। मुन्नी तो काफी ज्यादा खुश हो गई है चिकन को देख के और वो बाबा को अपनी भाषा में धन्यवाद बोलने लगती है। बाबा मुन्नी से बोलते हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चिकन तंदूरी नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, लेकिन मैं ये भी खाता हूँ क्योंकि मुझे चिकन काफी ज्यादा पसंद है। और बाबा और मुन्नी दोनों चिकन खाने लगते हैं। बाबा जब भी कभी चिकन खाते हैं तो बाबा को भयंकर वाली एसिडिटी हो जाती है। बाबा का सोने का समय हो गया है, लेकिन बाबा सोने से पहले रात में बॉक्सिंग प्रैक्टिस जरूर करते हैं और वो मुन्नी को ही आज अपना शिकार बनाने वाले हैं। वो मुन्नी को ही रस्सी से बांध कर उसी पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं। बाबा बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के बाद दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन सुबह उठकर जब बाबा देखते हैं तो वहाँ पर मुन्नी नहीं होती है। बाबा पूरा बौखला जाते हैं, वो मुन्नी को इधर उधर देखने लगते हैं, पता नहीं कहाँ है मुन्नी इस वक्त। तभी बाबा के फोन पर किसी का कॉल आता है। बाबा फोन से बात करते हैं। मैं बोल रही हूँ ग्रैनी कुमारी। बाबा बोलते हैं, कौन हो तुम। ग्रैनी बोलती है कि भूल गए बेटा, भूल गए मुझे, मुझे मार मार के मेरा थोबड़ा सुझा दिया था। तभी ग्रैंडपा भी बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे मुन्नी को किडनैप कर लिया है, आ जाओ अगर आ सकते हो तो। बाबा बोलते हैं, अगर मेरे मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। आ जाओ बेटा, बेटा आ जाओ बेटा। बाबा अपना तुरंत बाइक निकालते हैं और वो तुरंत ग्रैनी ग्रैंडपा के घर चले जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा वहीं पर खड़ी हुई है और मुन्नी भी हाथ में है। बाबा दौड़ कर जाते हैं और ग्रैनी को गदागद मारने लगते हैं। तीनों में वहीं पर फाइटिंग चालू हो जाती है। बाबा लगता है कि ग्रैनी ग्रैंडपा से नहीं जीत पाएंगे आज, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में है। बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा को एक एक लात मारते हैं,
पीछे की ग्रैनी और ग्रैंडपा नीचे गिर जाती है और फिर बाबा मुन्नी को लेकर बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही बाबा पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुँच जाते हैं। बाबा जब पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाते हैं तो बाबा के देह में डर आ जाता है। बाबा सोच रहे हैं कि तारों के नीचे से कैसे जाया जाए, यहाँ तो कोई छेद ही नहीं है। बाबा लॉन्ग जंप मारते हैं और तारों के ऊपर से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी आर्मी आ जाते हैं और वो बाबा से पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास पासपोर्ट वीजा कुछ भी है क्या? बाबा बोलते मैं मुन्नी को छोड़ने आया हूँ और मेरे पास ना पासपोर्ट है ना वीजा। उसमें से एक आर्मी वाला बोलता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम इंडिया से पाकिस्तान कूद के आ गए। तभी बाबा बोलते क्या करूं, किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। तभी उसमें से एक आर्मी वाला जोर से चिल्ला के बोलता है मारो मारो एक खूनी दरिंदे को, मारो मारो मारो। सारे आर्मी वाले बाबा को मारने लगते हैं। बाबा बोलते रहते कि मुझे मत मारो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मुन्नी को यहाँ छोड़ने आया हूँ। मुन्नी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि बाबा को सारे लोग मिलके मार रहे हैं। मुन्नी आर्मी वाले को समझाती है लेकिन आर्मी वाला कहाँ समझने वाले थे, वो तो बाबा की तुड़ाई चालू करने में लगे हुए हैं। मुन्नी को रोता देख बाबा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। बाबा दौड़कर जाते हैं और मुन्नी को बोलते हैं मुन्नी मुझे ये लोग मार नहीं रहे मुन्नी, मुझे ये सब मसाज कर रहे हैं मुन्नी। तभी पीछे से एक आर्मी वाला आता है और बाबा का खोपड़ा तोड़ देता है। बाबा तो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सारे आर्मी वाले पुलिस स्टेशन में बाबा को दे देते हैं क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि बाबा एक जासूस है। बाबा को तो ये सब जेल में बंद कर चुके हैं और मुन्नी बाहर पुलिस स्टेशन में पुलिस से बात कर रही है। ए लड़की कौन है तू, कहाँ रहती है तू, भी क्या इसके जैसा जासूस है? बाबा जोर से चिल्लाते नहीं नहीं मुन्नी जासूस नहीं है। ये लड़की कुत्ता की तरह क्यों भौंक रही है, क्या इसके मुंह में जुबान नहीं है क्या? बाबा जब ये देखते हैं तो बाबा को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बाबा की आंखें दोनों लाल हो जाती है और बाबा जेल को तोड़ देते हैं और बाबा सारे पुलिस वाले को मारने लगते हैं। और फिर बाबा और मुन्नी वहां से भाग जाते हैं और दोस्तों पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो जाता है कि एक जासूस हमारे पाकिस्तान में घुस गया है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से कराची तक मैं चांद नवाब आपका स्वागत करता हूं। पता चली है कि एक आतंकवादी पता चली है कि एक जासूस हमारे मुल्क में घुस चुके हैं और मैं अभी उसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अरे ये क्या, वो आतंकवादी और लड़की तो भाग रही है, चलिए उनका पीछा करते हैं। वो रिपोर्टर जिसका नाम चांद नवाब होता है वो बाबा के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी चांद नवाब बाबा को पीछे से बोलता है अबे बटले बुड्ढे तेरी बहन की लक्की इधर सुन। बाबा पीछे मुड़ते हैं और हीरो वाले अंदाज से बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप और तेरी माँ बुढ़ी। चांद नवाब बाबा से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम बुढ़ाऊ। बाबा चांद नवाब से बोलते हैं कि मेरा नाम लंगोटी लाल है और मैं इंडिया के बिहार राज्य से आया हूँ। चांद नवाब बोलता है कि तुम पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है। बाबा बोलते हैं कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है और ये गलती से बॉर्डर पार कर हमारे इंडिया में आ गई थी, इसलिए मैं इसे वापस पाकिस्तान छोड़ने के लिए आया हूँ। चांद नवाब बोलता है कि वाह बुढ़े वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बजरंगी भाई जान हो। तभी वो लड़की बोलती है चांद नवाब बोलता है पता नहीं ये लड़की क्या भौंक रही है। बाबा बोलते हैं लगता है इसका घर को पता चल चुका है और ये अपने घर को पहचान चुकी है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना मुन्नी? मुन्नी अपना मुंडा हिला के हाँ बोलती है और फिर बोलती है थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुन्नी का घर का पता चल जाता है और वो अपने घर के पास माँ के पास दौड़ी दौड़ी चली जाती है। बाबा उसकी माँ से जाकर बोलता है क्या औरत कैसी है तू, पांचवी फेल, अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती हो क्या? तभी वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस ढेर सारे आ जाते हैं और वो बाबा को देख लेते हैं। उसमें से एक पुलिस वाला जोर से चिल्लाकर बोलता है मारो मारो मारो, यही है वो खूनी दरिंदा, मारो मारो। सारे पुलिस वाले बाबा की तुड़ाई चालू कर देते हैं। बाबा को पाकिस्तानी पुलिस घसीट के पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर बाबा के साथ बहुत ही अन्याय होता है। बाबा को बर्फ के सिल्ली पे लेटाकर बहुत ज्यादा मारा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। पानी पानी दे पानी दे कुत्ते। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला बाबा को पानी गिलास दे देता है। बाबा बोलते ये पानी मुझे नहीं बल्कि इस पुलिस वाले को दो, मार मार के बेचारा बहुत ज्यादा थक गया है।
उसमें से एक पुलिस वाला बोलता है साले की चमड़ी उधेड़ देता हूँ, काफी ज्यादा गर्मी है इसके अंदर। सारे पुलिस वाले बाबा पर लाठी तोड़ने लगते हैं, लेकिन बाबा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी उसमें से पुलिस वाला बोलता है, तू किस मिट्टी का बना हुआ है भड़ुए? बाबा बोलते हैं, जिसे तुम लोग टॉर्चर करते हो वो मेरी रोज की ट्रेनिंग है, और इसी पुलिस स्टेशन के बाहर चांद नवाब भी वीडियो बना रहा है। चलिए देखते हैं चांद नवाब क्या बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद नवाब, और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर बाबा की अच्छी तोड़ाई चल रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बाबा की कितनी हड्डी टूटेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों बाबा के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करके इंडिया तक ले जाइए ताकि इंडिया के लोग भी बाबा को सपोर्ट करें। इधर चांद नवाब तो वीडियो बना के यूट्यूब से मोटा पैसा छाप रहा है, और इधर मुन्नी और उसकी माँ पुलिस स्टेशन में ही डायरेक्ट घुस जाती है और पुलिस वाले से कुछ कहने लगती है। चलिए सुनते हैं कि वो क्या कह रही है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उस मनहूस मतलब है उस बदमाश, मेरा मतलब है उस मानुष को छोड़ दो। तुम लोग क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? साले का मुंह फूले हुए गोभी जैसा हो गया है, क्या यही है इंसान? क्या यही है इंसान? क्यों पुलिस स्टेशन के अंदर चिल्ला रहा है बाप बाप? उसने मेरी बेटी को पाकिस्तान लाया है इंडिया से, और तुम लोग उस पर अन्याय कर रहे हो। वो पुलिस वाला बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाजी, हमारे हाथ एक कानून के जंजीरों से बंधी हुई है, हमें ऊपर से आदेश है कि इसकी हड्डी को तोड़ के भरता बना दिया जाए। वो औरत बोलती है, कौन है छत पे? कीजिए आप मुझसे मुकाबला कर। वो पुलिस वाला बोलता है, छत पर कोई नहीं है, मेरा मतलब है कि बड़े अफसरों का आदेश है कि इसको लुधियाना है। और इधर चांद नवाब का वीडियो इंडिया तक पहुंच जाता है, और इधर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता चल जाता है कि हमारे इंडिया का एक नौजवान पाकिस्तान में जाकर खून लात खा रहा है। मोदी जी भी कुछ टीवी पर कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। मित्रों, हमारे हिंदुस्तान से एक नौजवान पाकिस्तान पता नहीं कैसे चल गया, और वहाँ के पुलिस वाले उसकी तोड़ाई चालू रखे हुए हैं, तो हमें उन्हें बचाना है। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप उसे छोड़ दें, वो जासूस नहीं है। और इधर पाकिस्तानी पुलिस वाले बाबा को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर से कॉल होता है कि जल्दी से बाबा को छोड़ दिया जाए। बाबा को पाकिस्तानी पुलिस बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं, चलिए देखते हैं बॉर्डर में क्या होगा। और इधर से हमारे इंडियन आर्मी वाले भी आ चुके हैं बाबा को रिसीव करने के लिए। बाबा लंगड़ाते लंगड़ाते इंडिया का बॉर्डर पार करके जाने लगते हैं। बाबा के मार के मुंह कान का नक्शा चेंज कर दिया गया है। तभी पीछे से जोरदार तेज आवाज आती है, बाबा जब मुट्ठी पीछे कर देखते हैं तो पीछे हमारी मुन्नी होती है जो बाबा को बुढ़वा बुढ़वा करके चिल्ला रही होती है। बाबा दौड़ कर जाते हैं, उधर से मुन्नी भी दौड़ कर जाती है। बाबा जैसे ही मुन्नी के पास जाते हैं, बाबा मुन्नी को गिरा गिरा कर मारने लगते हैं, क्योंकि बाबा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे बुढ़वा बोले। बाबा वहां से फिर से वापस चले जाते हैं अपनी इंडिया की तरफ। कोड़ी फुटता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको बाबा का स्टोरी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आप लोग किसी और नए एक स्टोरी के साथ। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं, तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय-बाय।